आप सब, आज मैं एक धमाकेदार ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ और धमाकेदार एंट्री कर रही हूँ क्योंकि मैं एक आज बनाने वाली हूँ धमाकेदार रेसिपी जो है भरत की फेवरेट तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये ब्लॉगिंग हो जाए और ये रेसिपी आप सब तक पहुँचाऊँ मैं। एक्चुअली ये रेसिपी जो है भरत की बहुत ही फेवरेट, दिल के बहुत करीब है। हमेशा भरत बोलती रहती है रेसिपी बनाओ, ये डिश मुझे खानी है, लेकिन ये मैंने एक्चुअली एक दो साल पहले बना चुकी हूँ। जब भी लॉकडाउन था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ट्राई करती हूँ। तो मैंने बनाई थी वो रेसिपी, लेकिन बहुत यम बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। जैसे हमेशा मैं बोलती रहती हूँ कि मेरी रेसिपी बहुत ऑसम बनती है, तो काफ़ी टाइम के बाद। और पता है ये जब भी मैं भरत को पूछती हूँ ना कि भरत आज आप बताओ ना खाना क्या खाओगे, कुछ कभी समझ में नहीं आता है। अनमोल, दम आलू बना। जब भी पूछूं दम आलू बना, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दम आलू, भरत की फेवरेट रेसिपी। भरत को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं एक्चुअली जो पहले एक दो साल पहले ये बनाई है ना, एक्चुअली मैं भूल गई हूँ वो रेसिपी। वो कैसे बनाई थी मुझे कुछ याद नहीं है। कल इतना याद है कि मैंने उसमें लहसुन और कांदा कुछ भी नहीं डाला था, मैंने दही में बनाई थी, ये इतना याद है बस। कैसे बनाई थी नो आइडिया, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ अपने तरीके से, अपने स्टाइल से, न्यू रेसिपी, न्यू तरीके से, ना कॉपी किए ना क्या कुछ भी, अपने तरीके से मैं ये दम आलू बनाने जा रही हूँ। तो एक्चुअली जो ये मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ये जो अभी का वीडियो मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो एक दिन के बाद मैं वीडियो निकाला है, क्योंकि जो मैंने रेसिपी बना चुकी हूँ मुझे उसके साथ ही सब कुछ बोलना था, लेकिन सडनली पता है क्या हुआ, घर पे आ गए गेस्ट। तो घर पे आ गए गेस्ट, तो गेस्ट तो बात करेंगे, तो मम्मी डैडी की बातें हो रही थी, जो गेस्ट आए हुए थे उनकी बातें, तो काफ़ी आवाज़ आ रहा था किचन में, तो मैं बोल नहीं पा रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन उनका आवाज़ भी डिंग 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 पीछे आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो को पूरा बना दूँ और अपनी आवाज़ से बाद में आवाज़ को ऐड कर दूँ तो ये सब लफड़ा हुआ, क्योंकि मैंने वो दिन शाम को बनाया था मैंने ये खाना, क्योंकि वो जो आलू होते हैं ना छोटे छोटे दम आलू, आलू वो मेरे घर पर नहीं थे, भरत ने बोला मैं लेके आता हूँ। तो वो भी मेरी रेसिपी बहुत अच्छी बनी, बहुत ऑसम बनी, बड़ी यम्मी बनी। तो मुझे आप सबको दिखाना है वो रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से। हमेशा मैं बताती हूँ सिंपल तरीके से रेसिपी को कैसे बनाओ और कैसे इंजॉय करो। तो चलते हैं किचन के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। ये आप देख चुके हो आलू मैंने पानी में भिगोने रख दिए हैं और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। ये रही दही, सूखी मेथी, लहसुन, अदरक, मिर्ची एंड हाँ ये अदरक है जो मैंने पेस्ट बना के रखती हूँ हमेशा। ये एक इलायची है और दो लौंग और एक या दो तेज पत्ता जो मैंने निकाल के रख दिया है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो पड़ेंगे, और ये सूखे मसाले जो टाइम टू टाइम मैं डालती जाऊंगी और दिखाती जाऊंगी। आलू को मैंने फोक से पॉइंट कर दिया है ताकि उसके अंदर भी जो मसाले हैं पूरे अच्छे से जाए। और ये रहा अनियन, दो अनियन मैंने काट के रख दिया है। कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है, पहले मैं आलू को फ्राई करने रख दूँगी। तो ये रहा आलू जो मैं डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। तो ये थोड़ा हम लोग को लाल करना है आलू, तो उसको टाइम लगता है। ये रही लहसुन और मिर्ची की पेस्ट, अभी मैंने पैन में ऑयल गरम करने रख दिया है। उसके बाद जाएगा इसमें जीरा, 1.5 स्पून जीरा जाएगा इसके अंदर, और एक इलायची, दो तेज पत्ता, दो लौंग, और उसको हल्के से हम लोग मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद जाएगा अनियन, दो अनियन जो मैंने चॉप करके रखा था, अब इसको हल्के से हम लोग मिक्स करेंगे। और थोड़ा भूनने के बाद, जब तक ये पिंकिश कलर हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए ये अनियन, अब जब तक हम लोग वहाँ पे देखेंगे आलू कहाँ तक पके हैं, और थोड़ा टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा लाल करना है। अब ये पिंकिश हो गया हम लोग का अनियन, इसके जाएगी लहसुन और मिर्ची की पेस्ट,
और उसको हल्के से वापस से घुमाएंगे। इसको लाल बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ तक कि हम लोग को इसको पिंकिश ही रखना है और घुमाते रहना है। अभी इसमें जाएगी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची अपने हिसाब से, और ये जो सूखा धनिया 2 स्पून्स मैंने डाले, और अभी इसमें जाएगा नमक। नमक डाले इतना जितना चाहिए उतना। और एक और बात बताने दी, अभी जो वीडियो बना रहा है वो प्रिंस बना रहा है, प्रिंस की देखो फिंगर्स आ रही हैं। अभी इसमें जाएगा गरम मसाला, गरम मसाला डालने के बाद इसको सब मिक्स करेंगे। तो अभी प्रिंस ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे थोड़ा ईजी हो गया है दिखाना। और ये देखो आलू हो गए फ्राई, लाल कलर हो गया। अभी इसको निकालेंगे हम लोग आलू को, और थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे जब तक हम लोग ये ग्रेवी बन जावे। अब ये देखो एक भरा सा बाउल दही का मैंने डाल दिया। अब इसको फटाफट से मिक्स करना है और फटाफट से पानी डालना है, नहीं तो वो पूरा दही जो है दाने दाने हो जाती है। दाने दाने नहीं करनी हम लोग को, तो इमीडिएट पानी डालना है। पानी डाल दिया हम लोग ने और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे थोड़ा बॉयल होने तक। इसको बॉयल होने के बाद, और आप अभी देख सकते हो थोड़ी पानी पानी टाइप है, वाटरी है। इसमें अभी जाएगी मेथी, तो मेथी तो घर पे हम लोग सुखाते हैं, वो भी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और ये मिक्स होने के बाद, थोड़ा बॉयल होने के बाद इसके अंदर जाएंगे आलू, और उसको अच्छे से अभी कुक करना है। ये जो आप पानी देख सकते हो वो पूरा पानी को हम लोग को ड्राई करना है। भुनी हुई भाजी, ये मेरी भाजी बन के रेडी हो गई। आप देख सकते हो ऑयल पूरा छोड़ दिया भाजी ने। और अभी जल्दी जल्दी से मैंने एक सरप्राइज़ भी बना दी व्रत के लिए। वैसे नॉर्मल रोटी बनाती हूँ, रुमाली रोटी, लेकिन आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट सा बनाया जाए, तो आप मेरे वीडियो में देखो अभी मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ लच्छा पराठा। तो ये रेसिपी मुझे दिखाने थी, मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, तो आप देखिए कि मैं लच्छा पराठा कैसे बना रही हूँ। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।